वॉट्स कैसे हो आप सब सो आई होप यू आल आर फाइन एंड अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फोर टीम फॉर्मेशन का तो लेट्स रीड स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ओके सेवन फ्रेंड्स ए बी सी डी एल एम एंड जेड आर गोइंग टू न्यू ईयर्स पार्टी ऑन अ बाइक इन गोवा ठीक है तो सेवन फ्रेंड्स थे कौन कौन ए बी सी डी एल एम एंड जेड ठीक है इन लोगों ने uh, एक ट्रिप प्लान करी गोवा की बाइक से जाने की ठीक है सिंस इट इज लास्ट सिंस इट इज लेट एट नाइट दे डू नॉट एंटिसपेट एनी पुलिस प्रेजेंस एंड हैव टेकन ओनली थ्री बाइक्स ठीक है और कितनी बाइक्स ली उन्होंने थ्री बाइक्स ली कौन कौन सी एनफील्ड हॉन्डा एंड टी वी एस ठीक विथ एटलीस्ट टू ऑफ देम सिटिंग ऑन ईच बाइक मतलब एटलीस्ट टू लोग बैठे हुए हैं एक बाइक पे हैंस देयर इज अ ट्रिपल राइडिंग ऑन एटलीस्ट वन बाइक तो so, एक बाइक पे ट्रिपल राइडिंग इज एग्जैक्टली वन मेल ऑन ईच बाइक अब इससे हमें क्या पता चले देखो इस लाइन से देर इज एग्जैक्टली वन मेल ऑन ईच बाइक मतलब एक ही है एक बाइक पे तो मतलब तीन बाइक से तो मेल्स कितने हुए इसमें से मेल्स कितने हुए तीन एंड फीमेल्स कितनी हुई सेवन थ्री फोर ठीक है तो फोर फीमेल्स हैं एंड मेल्स कितने हैं तीन एमंग्स द ग्रुप देर आर टू एग्जीक्यूटि टू डिजाइनर्स एंड थ्री साइकोलॉजिस्ट ठीक है तो कितने एग्जीक्यूटिव हैं एग्जीक्यूटिव टू डिजाइनर्स टू एंड साइकोलॉजिस्ट थ्री ठीक है अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर नेम्स बाइक्स एंड प्रोफेशंस ठीक है इनके कॉलम्स बना लेंगे और फिर जैसे मैचिंग पजल्स ये नहीं करते थे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम करेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सी इज़ अ लेडी डिजाइनर एंड शी डज़ नॉट ट्रैवल विद अ पेयर ऑफ सिस्टर्स ए एन एम अब सी जो है वो एक लेडी डिज़ाइनर है ठीक है तो उसका प्रोफेशन क्या हो गया डिज़ाइनर ठीक है एंड लेडी है and lady ना तो उनको हम ऊपर एक डैश बना देंगे ठीक है आइडेंटिफाई करने के लिए एंड डज नॉट ट्रैवल विद द पेयर्स ऑफ सिस्टर्स ए एंड एम अब ए एंड एम पेयर्स ऑफ सिस्टर्स हैं जो लोग साथ में जाते हैं एंड वो फिर उनके साथ ट्रैवल नहीं करती है तो इससे हमें क्या पता लगा ए और एम भी सिस्टर्स है मतलब लेडीज हैं ए एंड एम ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बी अ मेल एग्जीक्यूटिव ट्रेवल्स विद ओनली जेड अ साइकोलॉजिस्ट ऑन एनफील्ड बाइक ठीक है तो बी जो है वो एक मेल एग्जीक्यूटिव है इज एन एग्जीक्यूटिव एंड वो किसके साथ ट्रैवल करता है जेड के साथ सिर्फ ओनली ठीक है तो इससे हमें क्या पता चला कि Z जो है वो फीमेल है क्योंकि एक बाइक पे तो एक ही मेल हो सकता है तो Z इज ऑल्सो अ फीमेल ठीक है तो Z M C एंड A आर फीमेल्स एंड B D L आर मेल्स ठीक है तो Z uh, Z B एंड एनफील्ड बाइक से जाता है एंड बी एंड एनफील्ड बाइक से जाता है एंड ये दो ही एनफील्ड बाइक से जाते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा ना विद ओनली Z तो एनफील्ड के तो हो गए नेक्स्ट बढ़ते हैं D इज़ अ मेल डिजाइनर ठीक है तो D जो है वो एक डिज़ाइनर है टू पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रैवल ऑन द सेम बाइक अब जो दो प्रोफेशन के हैं सेम वो सेम बाइक पर ट्रेवल नहीं कर सकते मतलब जैसे डी डिज़ाइनर है एंड सी भी डिज़ाइनर है तो वो एक बाइक पर ट्रेवल नहीं करेंगे वो डिफरेंट बाइक पर ट्रेवल करेंगे ठीक है अब क्या लिखा है ए इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेवल्स ऑन द होंडा ठीक है सो ए इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव एंड ही ट्रेवल्स इन होंडा ओके अब हम फर्स्ट पॉइंट पर पहले जाते हैं इसमें क्या लिखा था सी इज़ अ लेडी डिजाइनर एंड शी डिज नॉट ट्रेवल विदेयर ऑफ सिस्टर्स ए एंड एम अब देखो ए का हमें पता चल गया था कि ए होंडा से जाता था एंड सी जो है वो ए से नहीं गया ठीक है एंड एनफील्ड के भी दोनों हो गए तो बचा गया सी की बाइस सी uh, के पास बाइक कौन सी थी इट एज टी वी एस ठीक है सो so, सी के पास कौन सी बाइक हुई टी वी एस एंड यहाँ पर लिखा था कि सेम प्रोफेशन के एक बाइक से नहीं जा सकते तो डिज़ाइनर डिज़ाइनर ये डी और सी दोनों हो गए तो वो डी टी वी एस से तो जाएगा नहीं तो डी किससे जाएगा एनफील्ड uh, वाले तो दो हो गए बचा क्या है होंडा तो डी का क्या हो गया होंडा बचे दो नेम्स कौन से हुए एल एंड एम ठीक है तो इनमें मेल्स कौन से थे हमने चेक किया था बी डी एंड एल तो बी तो एनफील्ड से चला गया डी होंडा से बचा गया एल तो एल किस पे जाएगा इट इज़ टी ठीक है एंड एम अब देखते हैं अब एम का हमने पढ़ा हुआ था कि ए और एम सिस्टर्स हैं जो साथ में जाती हैं तो फिर एम भी किससे जाएगी होंडा से तो ट्रिपलिंग कौन कर रहे हैं होंडा वाले डी ए एंड एम ठीक है एंड अब इनके प्रोफेशंस पे आते हैं यहाँ ए के लिए लिखा था कि ए इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव और डिजाइनर्स हमारे पास दो हो गए थे पूरे तो डिज़ाइनर तो अब कोई होगा नहीं ए एग्जीक्यूटिव भी नहीं है तो एक क्या हुआ साइकोलॉजिस्ट एंड क्योंकि सेम प्रोफेशन वाले सेम बाइक्स पे नहीं जा सकते तो ये जो तीन होंडास के हैं इस पर एक डिजाइनर हो गया एक साइकोलॉजिस्ट हो गया एंड फिर एक बचा क्या एग्जीक्यूटिव ठीक है तो हमारे पास दो एग्जीक्यूटिव भी हो गए दो डिज़ाइनर भी हो गए बच्चे दो क्या होंगे फिर साइकोलॉजिस्ट क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तीन है तो इससे हमें सबके नेम्स बाइक्स एंड प्रोफेशन पता चल गए ठीक है तो ये बेस्ट तरीका होता है करने का तो आप इसी से करा करो अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन वट इज एम्स प्रोफेशन अब एम का प्रोफेशन कौन सा था इधर एम का प्रोफेशन था इट इज एग्जीक्यूटिव ठीक है सो इट इज ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव ठीक है सेकेंड क्वेश्चन ऑन विच बाइक डज सी ट्रेवल सी किस बाइक से ट्रेवल करता है सो इट इज टीवीएस ठीक है ऑप्शन सी टीवीएस एंड थर्ड विच आर द फॉलोइंग रिप्रजेंट द थ्री साइकोलॉजिस्ट थ्री साइकोलॉजिस्ट कौन थे या साइकोलॉजिस्ट कौन थे वन टू एंड थ्री इट इज जेड ए एंड एल ठीक है तो जेड एल ए इज एन ऑप्शन ऑप्शन बी जेड एल एंड ए तो ये थे सोल्यूशन वन टू थ्री एग्जाम्पल फोर के एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग